सारी दीवारें हिल रही है। लापरवाही मत कर हैं, ये भी पिटे बोलूं। देखो कितने पहाड़ दिख रहे हैं, इतना हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, आज रात को मैं एडमिट हो जाऊंगी। हमारी सोसाइटी तक ढोल वाला रुकना नहीं चाहिए। करवा लेना, डिलीवरी से पहले बारिश हो रही है। ये खुशी के आंसू है दीदी के। नहीं, उसने बोला था मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। रात के 3 बज गए, मैं आपको पहले टाइम दिखा देता हूँ। और इस टाइम हम पहुंचे हैं ऊपर, और ऊपर इतना खतरनाक तूफान आ रहा है। तो हम आए थे अपनी जिम संभालने के लिए, और आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी हमने आगे देखा है कि जिम में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बहुत तगड़ा तूफान आ रखा है। हमारे सारे बच्चे ऊपर आ गए हैं, तो हम एक लड़के को नीचे यहाँ सुलाने वाले हैं कि रात को बारिश वारिश आए, क्योंकि पहली बार हम जिम चेक कर रहे हैं कि बारिश आ गई, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है ना। और तूफान इतना ज्यादा खतरनाक है, हमारी सारी दीवारें हिल रही है, जितनी भी हमने बनवा रखी है ना सारी। इतना खतरनाक तूफान है, पर ये बहुत ही मजबूत है। मेरे को लग रहा है मेरे नकली बाल भी उड़ जाएंगे, एक्सटेंशन कराए हुए सारे। ओ, चारों तरफ दरवाजे खिड़कियां सारी हिल रही हैं। शायद आपको पीछे दिखाई भी दे रही होगी, तो बाहर का व्यू दिखाता हूँ। जो बाहर का तूफान वाला व्यू है ना, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मैंने ये वाला गेट खोल दिया कि थोड़ी सी ना हवा पासिंग हो जाएगी, तो दरवाजे या फिर खिड़कियां इन पे कोई भी बात नहीं आएगी। तो बहुत ही खतरनाक तूफान है, मैं देख लेता हूँ कि कोई सामान नीचे ना गिर जाए। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी हमारी दीवारें हिल रही हैं। ये वाली दीवार कुछ ज्यादा ही हिल रही है, क्योंकि ना हवा उस साइड से इस साइड आ रही है। पर मैंने ना सारी खिड़कियां खोल दी हैं कि थोड़ा पासिंग हो जाएगी और दीवार पे लोड बिल्कुल ना आए। लक्ष्य और दीपक बोल रहे हैं कि भैया हमें बहुत मजा आ रहा है, क्या हम 2-3 घंटे यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ भाई, हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है जन्नत आ गई है नीचे, है ना। शुक्र है परमात्मा, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है हल्का फुल्का हवा कम हुई। अब आगे तो दोबारा तेज आ गए ना, दोबारा तेज आ रहे हैं। झूला भी हिल रहा है। चलो चलो अंदर, चलो 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 अंदर। 15-20 दिन में ना दूसरी तीसरी बार ये तूफान आया हुआ है, मतलब दिमाग ही खराब करके रखा हुआ। सारी लाइटें वाइटें बंद हो गई यहाँ की। ये तो चलो मैंने प्लास्टिक वाले शीशे लगवा रखे, टूटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, पर हिलते उलते रहेंगे। शीशा तो मैंने एक भी नहीं लगवाया, क्योंकि कल को क्या ना कि तूफान की वजह से अगर एक आधा शीशा या फिर कुछ भी नीचे ऊपर गिरे तो किसी को चोट ना लगे। मैं दिखाता हूँ कौन से शीशे लगवाए मैंने। तो मैंने ना ये प्लास्टिक वाले शीशे लगवा रखे हैं, कुछ नहीं होता इनको। ये देखो, ये टूटते नहीं है, कुछ नहीं होता इनको। ये वाली दीवार तो इतना खतरनाक हिल रही है ना, ऐसा लगेगा जैसे अभी टूट के यहाँ गिरेगी। ए परमात्मा, रुक जाओ, हवा मत करो, आप बारिश कर दो भैया, हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। बड़ी मेहनत से हमने जिम बनाई है, ऊपर पूरी दीवार हिल गई है, बाकी होगा तो कुछ भी नहीं, फिर भी आदमी का डर तो रहता ही है ना। तो मैंने ऊपर राहुल और मोहित को सुला दिया है, और मैंने बोला ये खिड़कियां खुली रहने दे थोड़ी देर तक, अगर बारिश आती है तो दरवाजे फिर हम बंद कर देंगे कि पानी अंदर ना आए। और ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है, आज बारिश आ जाएगी ना तो हमें पता लग जाएगा कहाँ से पानी आ सकता है कहाँ से नहीं आ सकता, क्योंकि जब से हमने जिम बनाई है एक बार भी बारिश नहीं, तूफान बहुत बारी आ गया। तो लक्ष्य और दीपक ने मंदिर बाहर लगा दिया है, क्योंकि ना वहाँ से भी गैलरी से भी हमारा पानी आ जाता है, क्योंकि ना गैलरी में हमने अलमारी वगैरह लगा रखी है, बारिश जब तेज़ होती है तो इस साइड आ जाती है। तो भैया हमारा जैद सो रहा है या उठा हुआ है। तो पाली ये कह रही है कि शायद ना मुझे आज ही एडमिट होना पड़ सकता है ना, धीरे धीरे दर्द उठ रहा है, चलो लेके लिए पीछे से वो ही हो रहा है जो मैम ने बताया था। यहाँ पे नीचे पूरा पेट टाइट, थोड़ी देर में टाइट हो रहा है, थोड़ी देर में ढीला हो रहा है, पीछे से शुरू हो रहा है बैक से। ले चलो, क्यों पर अभी इतना नहीं हो रहा। पाली लापरवाही मत कर, ले चलता हूँ एडमिट कर दूंगा। 3:30 बज गए, पूरा घर जाग रहा है। ठीक है, तू बता दिए, एक सेकंड में ले चलूंगा। हाँ भाई, क्या कह रही है? बोलो, जाग रही है और कुछ नहीं कह रहा। चीकू को 2 थप्पड़ लगे हैं, क्योंकि नहीं 7 बजे उठता, 10:30 बजे तक ये जाग रहा था। तो आज मैं इससे बहुत नाराज था, तो मैंने आज 2 चांटे लगा दिए लड़के को। और एक ये भी पिटेगा मुझसे, हैं, ये भी पिटेगा। बोलो, मार दो भाई, मार दो 2-3। हाँ, समझदार हो जाए तो तू पहले थप्पड़ खाने लायक हो जाए एक बार, है ना। बोलो, इसे समझते हो, इसे दिन रात का कुछ पता ही नहीं है। ये जब सोता है इसके लिए वो क्या बोलते हैं, जब ये सोता है तब ये सवेरा है। इसने सुबह को तो वो किया हुआ है अपना, और मतलब पायल मुझे बोल रही थी इसको उठा दिया कर। मैं हिम्मत हार जाती हूँ, लड़का उठता ही नहीं है। ये सुबह रात को सोता नहीं है भाई। अभी कोई बात नहीं, कहते अभी मेरे 2 भाई और भाई बहन आ जाएंगे। मैं हर बार भाई करता रहता, भाई बहन आ जाएंगे फिर मैं उनके साथ खेलता रह करूंगा, मुझे कमरे में छोड़ देना अकेले, है भाई वाले। लोगों ने तो न्यूज निकाल रखी है, लड़कियां होगी, 2 लड़कियां होगी, चीकू की छोटी बहनें आ गई। चीकू, अच्छी बात है ना, तो फिर तो लेके आई आज, हम तो चाहते हैं। देखो वेट कर रहा, देखो पीछे। तो यहाँ पर भैया पिंक कलर का झूला भी हमारा वेट कर रहा है, जल्दी से 2-2 नन्हियां आ जाए हमारे घर में, जुड़वा आ जाए, दोनों एक जैसी शक्ल हो तो बस ठीक है। फिर पाल सीता गीता, सीता गीता अंजुमन जो मूवी नहीं थी, सीता गीता भी थी, अंजुमन जो देख रहे हो
बेटी कैसे देख रहे हो, क्या हुआ? ऐसे देख रहा है ऐसे। साढ़े तीन बज गए, आपको पता है? आपको पता है साढ़े तीन बज गए नोनी? इसकी माँ को पता है, काश आपको समझ पाता हूँ। पायल को समझ जाएगा। पायल प्लीज ट्राई वंस। पायल एक काम करियो, जब अभी दो बच्चे हो जाए ना, अपनी अपनी ड्यूटी बांध लेना कि बिन मैं सोऊंगी रात को तू जागेगी। कर लोगे ना काम? ऐसे दो घंटे तू जागेगी, दो घंटे में जागूंगी। ऐसे ज्यादा आसान होगा, ऐसे ऐसे ज्यादा आसान होगा तो दो घंटे वाला, क्योंकि दिन में मैं सोती नहीं हूँ। दिन में यार 36 काम होते हैं, इंसान को नहीं सो पाता, और ये पूरी रात जगाता है। ये इसको नींद आएगी सुबह के 5-6 बजे, और तब तक मैं जागती रहूँ। मुझे 3 दिन से बोल रही है दीदी कब जागेगा मेरे को देना। 3 दिन हो गए ना, 3 दिन से कंटिन्यू बोल रही है। मैंने कहा आज मैं तुझे गोल्डन मौका दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ सोने, जब ये रोएगा तो आवाज दे दियो, पूरा 1 घंटा है। खिलाओ खिलाओ। घूमी घूमी का दिन जाना चाहिए। एक बार टोपी पिना तू, टोपी पिना के मासी के साथ खेलो, मासी संभालेगी। मैं तो कुछ नहीं कह रही, जाग लो आज रात, क्या पता कब कहाँ जाना पड़े। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ये जो तूफान है ना, संकेत दे रहा है कि पायल चल आ जाओ हॉस्पिटल, आ जाओ हॉस्पिटल। इसलिए ये हमें सोने नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2 घंटे बाद पायल बोलेगी चलो गुड्डू चलो गोलू मुझे दर्द हो रहा है हॉस्पिटल ले चलो, तो बस हम इसलिए सो नहीं रहे कोई भी। तो गाइस तूफान इतनी तेज ना, इतनी तेज है, ये हमारे यहाँ पे जो लाइट आपको दिख रही है ना, ये वो वाली लाइट है जो डीजी लाइट होती है वो वाली। हमारे ना एसी चल रहा है, नब चल रहा है, बिना एसी के तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 22 तारीख को बोला डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, और मैं कैसे सोऊंगी गर्मी में, समझ नहीं आ रहा। फैसिलिटी हो गया, रिमोट का भी देख ले भाई, पंखे का भी रिमोट आ गया ना। तो है, तो करती हूँ 5 पे, अब शायद मुझे नींद आ जाए, चाहते हुए ना मेरी लाइट बंद कर लो। तो अभी सुबह के 6 बजे है, और थोड़ी सी हालत क्रिटिकल हो रही है पायल की, खांसी आ रही है बहुत ज्यादा। पारी को फटाफट यार पाल देखा नहीं जाता, तो परेशान हो गए इतना। तो बारिश तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक आ गया, सामने के सारे पहाड़ दिख रहे हैं, सारे पहाड़, और देखो नीला आसमान। तो हमारा राहुल जो है ना वो ऊपर ही सो रहा है, क्यों सो रहा है ऊपर? तो राहुल को मैं सुला गया था कि तूफान आया ना तो गेट खोल दियो, पासिंग हो जाएगी, बारिश आए तो गेट बंद कर दियो, और ऐसा ही किया है। और मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जिम में कोई पानी आया, पानी नहीं बिल्कुल भी ना, पानी तो इस तरफ तो नहीं आया, बच गया ये, सही किया हमने। और ये हैवी कर दिया ना, हैवी कर दिया था, अगर हैवी नहीं करता ना सारा फट फूट जाता। एक काम करवा लेना, जो कोने का हिल रहा है ना वहाँ पे लोहे का वो लगवा दो, जो मैंने नीचे लगवाया प्लास्टिक है बेटा, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लग पाया ना, वो नहीं लग पाया। अच्छा वो दूसरी चीज ना, हमारी ना बहुत ऊपर की मंजिल है, इसलिए सारा हिल रहा है, है ना? ठंड तो नहीं लग रही तेरे को? नहीं ठंड नहीं लग रही है। चल तू नीचे चल, हवा तो अच्छी चल रही है। गाइस मेरे साथ क्या हुआ ना, सुबह सुबह मेरे को क्या हुआ, खांसी का इतना ज्यादा प्रेशर आया ना कि मुझे स्टूल हो गया, स्टूल मतलब खांसते ही हो गया। फिर मैं वॉश सब कुछ क्लीन व्लीन किया, फिर मैंने स्टीम लिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वाओ गुरु देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितने पहाड़ दिख रहे हैं सुंदर से। यार यार दिल कर रहा है यहाँ पे बिस्तर लगा लूँ, बीमार हो जाएगी। चल तो लाइट नहीं है ना, चल कोई बात नहीं। घबराहट पता कितनी हो रही, मैंने सारी खिड़की खोली रात, खिड़की पर्दा, फिर जाके नींद आई। मैं कह रही हूँ आपका फोन मुझे दे दे, वो मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया ना, आ रहा है अप्रूवल डालेगी तो मैं कोई बात साथ ही तो हूँ। साथ तो ऊपर सो जाओगे ना, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ सुबह पे। गाइस मेरे को ना जलन हो रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा था मैं कच्ची लस्सी बना के पी लूंगी। देखा यहाँ पे पूरा देख लो, पूरा दूध खराब हुआ, 1.5 किलो दूध है पूरा खराब है, इसका पनीर बना लेंगे। लेकिन इसके अंदर ना कुछ रखा हुआ तो देखा, नींबू खट्टा रखा हुआ ना, काट के रखा हुआ, खट्टापन से भी हो जाता है ना। कोई बात से मंगा दूं? नहीं दूध तो 8 बजे आ जाएगा, अभी 6:30 हो रहे ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो रात से अभी जो तबियत था ना मेरी थोड़ी ठीक हुई है, क्योंकि नेबुलाइज भी ले लिया था मैंने, और सुबह उठ के ना, कल मैंने दवाई नहीं खाई थी शाम की, सुबह उठते ही मैंने दवाई खा लिया, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, और एसिडिटी भी नहीं लग रही है। तो गाइज आज है इवेंट, हमारा इवेंट है प्राउड वुमेन अवार्ड मिलेगा आज हमें, मेरे को और गोलू को, तो बस हाँ मेरी बेटी को भी, तो बस हम लोग जाएंगे शाम को, पूरा इवेंट आप देखना मिस मत करना। और अभी जो है डाइट बनने जा रही है अरमान जी की, कल डाइट के चक्कर में बहुत डांट खाई है, क्योंकि किसी को ध्यान ही नहीं था इनके खाने का, ये इतना हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, और अगर टाइम से प्रोटीन नहीं मिलेगा बॉडी को तो सारे मसल टिश्यू जो है इनके सारे टूट जाएंगे, वो कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। गोलू भैया खतरों के खिलाड़ी से खेलते हैं रोज, इस लड़की की नींद नहीं पूरी हुई मेरी बेटी की, है ना? सोना सोना सोई हूँ, सॉरी। हाँ पता है मुझे, मैं जागी रहा था, आप आए तो थे मेरे पास कि सोचा। मैंने कहा मैं सुबह सुबह ही उन्हें लगा लो, आंखें खुल रही 1 बजे की। एक काम किया कर, जब भी सो इसके साथ सो, जब भी उठे इसके साथ उठ, बोलू ऐसे मत बैठा कर, सारे काम धंधे छोड़ दे। पायल क्या बोलते हैं? सही कह, पापा आए थे बस सुबह आए थे, अब ये बहुत तेज रो रहा था। मैं तो 3:30 बजे सोई हूँ, 6 बजे उठी, 6 या 5:30 बजे उठी हूँ मेरे
वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम का नेबुलाइज ली गया है, फिर ऊपर गई हूँ, मेरी दिक्कत हो गई थी। मैं उठ गया, मेरा ये गई, फिर ऊपर हूँ मैं ऐसे। मेरे को जाना पड़ेगा, आज रात को मैं एडमिट हो जाऊंगी। मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, इतना टाइट नहीं होना चाहिए। कल रात को भी यही पायल मुझे गाइस यही बोल रही थी कि ना उसका पेट बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मैंने फील किया था, हो रहा था। आगे दिखा, आगे। हाँ, पायल पत्थर जैसा हो रहा है बहुत ज्यादा। तू रिस्क बिल्कुल मत ले, मेरे पास ना मैम का नंबर है, फोन कर ले। मैम को कॉल करके बात करती हूँ, ठीक है? कितने बजे एडमिट होना बता दो। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ मैम से। अपना दीदी को भी कॉल करो, उन्होंने बोला था बता दी मुझे। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ गाइस, अरुण ने आपको भी यही बोल रही हूँ कि अगर हम इसको अभी एडमिट करते हैं तो फायदा नहीं है। जैसे मैं गई थी ना 5-6 बजे, तो मेरे को ड्रिप चढ़ी थी 8-9 बजे। अगर हम इसको भी एडमिट करते हैं तब भी ये, इसको ड्रिप 8-9 बजे चढ़ेगी, तो इसको बोलो थोड़ा रेस्ट कर ले, अभी घर पर रेस्ट करे। 7-8 बजे चलते हैं, रात को मैम एडमिट करेगी, इसको कैनला वनल लगाएगी और जो चीजें इसको लगाएगी, और सुबह ही ऑपरेशन करेगी। तो गाइस, हमने कल रात को ना 11-11:30 बजे ना फाइनल हॉस्पिटल बैग पैक किया। इतने दिन से ना मैं ऐसे उड़ते, पता नहीं मेरे रात को दिमाग में क्या आया, पायल अंदर बैठी हुई थी, मैंने पायल को अंदर से बुलाया, मैंने कहा पायल अंदर आ जा और ना बैग पैक कर ले। कह रही क्यों? मैंने कहा बस तू कर ले और देखो काम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? जय छोटा भाई बहन आने वाले, बड़ा हो जाएगा। कितने दिन बड़ा हो जाएगा? पूरे 12 दिन। आज तक कोई हो इतना बड़ा, इतनी फास्ट, इतना फास्ट कोई भाई बने? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जैद ने, 12 दिन बड़ा भाई कौन बनता है? मैं कह रही हूँ पिछली बार ढोल वाले लेके नहीं आए थे, इस बार ढोल बोल वाले भी लेकर आएंगे। तो ढोल लेके आना है, ढोल लेके आना, और हॉस्पिटल से ढोल वाला, हमारी सोसाइटी तक ढोल वाला रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? लड़की को ऐसे लेके आएंगे, हमारी प्रिंसेस होगी। कितना प्यार होगा ना अगर एक लड़की हो जाएगी तो। 3 भाइयों की एक बहन है पर, या 2 भाइयों की एक बहन। तो बुआ का फोन भी आ गया। तो गाइस, मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, मुझे सच में वो दिन याद आ गया जब मैं सुबह सुबह थी ना, तो मैं सुबह सुबह ऐसे उठ के बोली, मैंने कहा यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे एडमिट कर लो। और मैं शाम को 5 बजे आराम से पायल, मैं रोटी खा के, चाय पी के, मेकअप वेकअप करके, फुल नहा धो के रेडी होके गई थी। तो ऐसे ही हम पायल के साथ करेंगे। सुनो, मुझे ना, मैं ये अंदर जब गई थी ना, तो ये ना ड्रामा कर रही थी और मैं इसे बाहर बैठ के ना डांट रही थी, और अब मुझे डर लग रहा है। अब मैं तेरे को डांटूंगी, अब डर लग रहा है अंदर जाने में। सब ठीक होगा, टेंशन मत लो, ठीक है? नहा धो के अपना खींच दो, कपड़े वपड़े पहनो। मैं भी चलूंगी। मेरे को सबसे ज्यादा जो डर लग रहा था ना, उस टाइम लग रहा था जैसे ना पायल बाहर बैठी हुई थी है? तो मुझे पता नहीं था पायल बाहर, मेरे तो पर्दे लगे हुए थे, मैं ड्रामे कर रही थी, पीछे से आवाज आई, करवा लेना। क्या ड्रामे कर रही है? हाँ, करवाती हूँ। उसी वक्त ना मैंने कहा मुझे ओटी मिले, चलो। तो गाइस, मैं अपनी गर्दन की टैनिंग को छुपाने के लिए शुगर का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। मेरा मेकअप हो गया, आज है मेरा वाला शूट जिसमें आफ्टर बिफोर होता है बच्चे का। तो गाइस, मेरी जो वीडियो है ना ट्रांजिशन वाली, वो भी मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाए ना थोड़ा, तब बनाऊंगी। तो मैंने बनाकर रख ली है, वो इंस्टाग्राम पर आएगी। तो वैसे ही पायल बना रही है आफ्टर बिफोर वाली। टाइम लगेगा वीडियोस को आने में, बट ये वाली जो वीडियो है ना बिफोर ही बनानी पड़ती है, बाद में हवा पच हो जाती है पेट की, तो बन नहीं सकती। तो ये वाला वन पीस मैंने पहना था, इसकी फोटोज भी मेरे इंस्टाग्राम पे। बहुत तेज बारिश आ रही है भैया, बहुत तेज। गुड्डू सुनो, डिलीवरी से पहले बारिश हो रही है, संकेत अच्छा है। अच्छा, हमारी शादी से पहले हुई थी, बेबी शावर से पहले भी, मतलब संकेत अच्छा है। अच्छा, तो गाइस मैं तो नहा धो के हो गया हूँ बिल्कुल रेडी, कि भैया पायल जल्दी से आ जा और कल चमत्कार दिखा दे। हाँ सही बात है। अभी दीपक बैठा हुआ था, चाय पी रहा था मेरे साथ है, तो ऐसे बातें करते, कह रहे दीदी अपने, मैंने कहा कल जाया था आपको पता है, जहाँ आप मुझे मिले थे फर्स्ट टाइम, हम दोबारा वहाँ जा रहे हैं। कह रहा दीदी आपको कैसा लगा था? मैंने कहा मैं बताती हूँ, जब जैसे जैद पेट में था ना, तो जैसे ऑपरेशन थिएटर में थी मैं, जैसी आवाज आई ना रोने की, हूँ वहाँ पे मैं लेटी हूँ, मैं मतलब बेहोश, होश में नहीं थी, मेरी आंखों से आंसू आई जा रही हूँ ऑटोमेटिकली, बस वहाँ सुनते ही। क्या बात, ये माँ का मोमेंट ना, माँ वो जो मोमेंट होता है ना, जब तुम अंदर होते हो और तुम्हें तुम्हारे सामने आवाज आती है और तुम देखते हो, वो जो मोमेंट होता है ना। ऑस्टिन ने अब क्यों रोने लग गई है? तो याद पायल कह रही मुझे आधा 15 घंटा सोने दो, फिर मैं हॉस्पिटल में जाके सोना ही है मुझे। मैं तो ठीक है डार्लिंग, डार्लिंग का मेरी डार्लिंग इन द वॉशरूम। अच्छा, कोई बात नहीं, तो सही कर लूंगी। तो गाइज, अभी हॉस्पिटल जाने से पहले 2 घंटे में ऐसे संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी और गोलू की डील हुई है कि रात में ऐसा करेंगे, 2 घंटे तू सोएगी, 2 घंटे मैं सोऊंगी, ऐसे जाके हमारे 3 जो बच्चे हैं ना, और 2 घंटे चीकू के पापा, ऐसा नहीं है, इनको भी हम लपेटे में लेंगे। भैया एक बात बताओ, मैं 2 घंटे जागूंगा, रात को जागूंगा तो काम कौन करेगा? मेरे को ले लो, 13 दिन हो गए गाइज, 13 दिन के अंदर कल चीकू के पापा ने लाइव ऑडिशन देखा है मेरे साथ क्या होता है। 1 बजे से लेके 6 बजे तक लड़का जागता है, और पूरा आज सुबह मुझे बोल रहे गोलू तो उसको उठाती क्यों नहीं है। मैंने कहा काम करूंगी, आपको बोलूंगी,
आप उठाना, पर ये उठता ही नहीं है। इसकी जब मन होता है तो उठता ही है। हाँ जी, अब इसको भूख लगी है इसलिए उठ गया है। जैद उठ गया, जैद बच्चू ये मेरा। हाँ जी हाँ जी, खेली खेली कर रही है। तो गाइस जिस इवेंट पे जाना था ना मेरे को, मैं वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और अरमान जी गए उस इवेंट पे क्योंकि वहाँ जाना भी बहुत जरूरी था। हम इनवाइटेड थे बहुत टाइम से, वो पहले होने वाला था फिर वो डिले हो गया, वो आज हो रहा था। तो अरमान जी जैसे आएंगे वैसे मैं और गोलू हम सब जाएंगे हॉस्पिटल में एडमिट होने। तब तक मैं थोड़ी सोच रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द था, थोड़ी आराम कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने अपनी फुल पैकिंग जो है वो ऑलमोस्ट कल कर ली थी, बाकी अभी जो है ना मैं थोड़ा मेकअप वगैरह लिस्ट्रीन वगैरह ये सब रख रही हूँ, फेस टॉवल बॉडी टॉवल क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल के यूज नहीं करने। और ये गोलू की मैंने बेल्ट रख ली है, ये मेरे काम आएगी ऑपरेशन के बाद। और मैंने अपने लिए मेकअप भी रख लिया है क्योंकि मेरा जो वहाँ पे शूट होएगा ना बेबी शूट, उसके लिए मैंने मेकअप रख लिया है। कोई नहीं आ पाया मेरे पास मेकअप करने के लिए तो मैं खुद कर लूंगी। ये सारा सामान रख लिया, ये मेरा लिस्ट्रीन, ये मेरा क्लचर, ये मेरा हैंड टॉवल, ये मेरी बेल्ट, ये मेरी बिंदी, ये मेरा फेस वॉश, बस। तो गाइस इस बार ना इत्तेफाक से ब्लू मेरा जो है टॉयलेटरी का सामान बैकपैक हुआ है और दोनों पिंक हुए हैं। और इतने सारे ना यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं पता नहीं किस किसने कि मेरी ऑलमोस्ट ओए मेरा जैद क्या हुआ, मैं बेटी मेरी शो नहीं कहा हुआ, मम्मी ने अभी तो आपको फिट कराया बेटा, अभी थोड़ी ऐसे करते हैं खेलने के लिए कर रहे वो। इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो बने गाइस इतने सारे, और सब में यही बताया गया कि मुझे ट्विंस गर्ल हुई है। तो भगवान करे उन सबकी वीडियो सक्सेसफुल हो जाए, मुझे ट्विंस गर्ल हो जाए और मैं ट्विंस गर्ल को जल्दी लेके आ जाऊँ घर पे अपने। तो बस ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है, अभी बज रहे हैं 7:14, मुझे लगता है 9 बजे तक मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। और घबराहट सी हो रही है, बहुत ज्यादा सच में। मैं गोलू को धमका रही थी कि कुछ नहीं होगा, तो मैं गोलू को उस दिन डरा रही थी गाइस इतना ज्यादा। और मुझे खुद पता लग रहा है कि यार, क्योंकि 7 साल पहले ऑपरेशन थिएटर में गई थी, उस टाइम तो मतलब मजबूरियां इतनी थी कि वो टाइम में घबराहट हुई नहीं, उस टाइम में मैं इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि अकेली डिलीवरी कराने जाना वो अलग चीज हो जाती है। अभी सारा सब लोग साथ में है तो पता नहीं फिर भी क्यों इतना बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे डिलीवरी थिएटर मतलब उसमें जाने के लिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। इतने हिम्मतदार आपके हस्बैंड है दीदी, क्यों डर रहे? वो थोड़ी जाएंगे मेरे साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में, भैया तो मैं अकेली जाऊंगी ना। भैया बाहर बैठ के आपको हिम्मत देंगे ना। और मैंने कल सही किया, मैंने कल अपनी थ्रेडिंग वेडिंग करवा ली है गाइस, वैक्सिंग वैक्सिंग करा ली है। अब ना थोड़ा अच्छा लगेगा, 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद करवा पाऊंगी बेबीज के बाद, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। गोरे गोरे भी लग रहा है, गोरे लग रही हूँ, मेरे हाथ भी साफ लग रहे हैं, टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी ना, अभी हाथ साफ। सबको करानी चाहिए, वो तो सब कराती है गर्ल्स, तो बॉयज भी कराते हैं ऐसी बात थोड़ी। जैद बेटे को क्या हो गया, जैद बाबू को क्या हो गया, क्यों लोई लोई मचा रखी है, क्यों लोई लोई मचा रखी है बेटी ने इतना। अब तो बिग बॉय हो गया बेटा, दो छोटे बच्चे आने वाले हैं, अब तो बड़े हो जाओ आप। पायल भी जा रही है थोड़ी देर लेटने के लिए, चीकू का दूध गर्म हो रहा, दीपक कर रहा है गर्म, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जब तक जैद थोड़ी देर सो रहा है ना सो जाती हूँ, क्योंकि क्या जैद सोता है तो मेरे को नींद पूरी हो सकती है, फिर वो जागेगा तो नींद का मुश्किल हो जाएगा, फिर पायल को हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए साथ जाऊंगी, फिर मैं आ जाऊंगी, कि मेरे लिए क्या है वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है। तो गाइस मुझे 12 बजे के बाद कुछ खाना पीना नहीं है जैसे गोलू के साथ हुआ था, तो अभी मुझे लग रही है भूख। मैंने दीपक को बोला रोटी खाने का तो मन नहीं है, दीपक को बोला बॉर्नविटा का दूध दे दे, और वो जो शैशे है ना गोलू मैंने कल से पिया नहीं है, पी ले आज पी लूँ लास्ट, मेरे शैशे पड़े 4-5, वो वापस कर दूंगी केमिस्ट पे जाके। वापस नहीं होते कोई बात नहीं, उसने बोला था कि जो आपकी मेडिसिन रह जाएगी ना मुझे वापस दे देना, क्योंकि मेरे पूरे 9 महीने मेडिसिन उसी से लिए ना। हाँ मेरी तो कोई रही नहीं थी, तेरी डाइबोबोन मैंने खाई थी लास्ट में, ठीक है। फाइनली गाइस जैद सो गया, बस पायल भी चीकू को सुला रही है, मैं भी ना 1 घंटा सो रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है रेस्ट करना, बहुत बहुत तेज नींद आ रही है, तो जैद के साथ ना पूरा एडवांटेज लेती हूँ सोने का, 1 घंटा सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो गाइस अब सुबह से मुझे भूख नहीं लग रही ढंग से, अभी मुझे भूख लग रही है और हॉस्पिटल भी जाना है और परसों से भी स्टार्ट होना है, तो मुझे लग रहा है मैं आज नहीं जा पाऊंगी। पर आप फैमिली फिटनेस वाले व्लॉग में देखना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ कि नहीं हुई आज। इस वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।